पकड़ पकड़ के मुंह में माइक घुसा रहे, फिर वही नहीं देने का मेरे को तो फिर वही क्या, फिर वही क्या मतलब क्या, मेरे को जितना जवाब देने का उतना तुम कह के लकड़ के सवाल पूछे मेरे से, मेरे को जितना जवाब देने का उतना ही दूंगा मैं, ज्यादा जवाब नहीं दूंगा, मेरे से उतना ही सवाल करो जितना मेरी मर्जी हो, मैं किसी का गुलाम होगा तुम्हारा, ठीक से बोलने का बात, अरे मैं बोल रहा हूं ना, हो गया बोल रहा हूं ना, हो गया बोल रहा हूं, तुम आराम से भी बोल सकते हो, क्यों आराम से बोलूं, तुम माइक मेरे मुंह में घुसा के मैं आराम से बोलूं, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे को, पूछ रहे मेरी मर्जी से पूछो ना, जितना मेरे को पूछने का उतना, ज्यादा नहीं पूछने का, मर्जी से चलेंगे, हां चलो मेरी जितनी, मैं इंडिविजुअल आदमी हूं, मेरी मर्जी से जितना सवाल मेरे को पूछ सकते हो उतना ही पूछूंगा, और जितना जवाब मैं दे सकता हूं उतना ही लो, ज्यादा मत लो, मेरे मुंह में माइक मत घुसाओ, चलो जाओ गाय के लिए भीख मांगने। जी मैं दत्तूवाड़ी में 15 साल पुरानी सबील थी, जिसको जो है बबलू सैयद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के तोड़ा, उस पर पत्रकार द्वारा सवाल किए जाने पर पत्रकारों से वो उलझ गए, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शर्मिंदगी की बात है, पहली बात तो पत्रकार अपना काम करता है, कोई भी वाकया होता है जिधर अनबन होती है या कोई कानून के खिलाफ होता है या जो आवाम के मर्जी के खिलाफ हो या आवाम की सहूलत के खिलाफ हो, पत्रकार अपना काम करते हैं। मैंने वो वीडियो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया, और जिनके साथ हुआ वो तो आपके मुमरा कौसा के शहर के सबसे नरमी पत्रकार हैं, उनके बातों में ही पहले से मिठास है, और वो शख्स के साथ बदतमीजी से पेश आना, ये क्लियर कट आपका ये मुमरा कौसा की आवाम को साबित करती है कि सत्य और वो हमारा आमदार, हमारा पुलिस स्टेशन, हमारे आगे कोई नहीं, ये गुर्मी गुरूर तकबुर, इसका वो पूरा असर था, डर नहीं खौफ नहीं, मैं जो बोले वो कायदा, क्योंकि मैंने भी वो कुछ लोगों से मालूमात किया, उस दिन मैं वो सबील के इधर ही एक आगे थोड़ा सा नारियल फोड़ा था, तो हमने देखा था कि उधर चलते फिरते भी रिक्शा वाले अपने रिक्शा रुका के पानी पीते थे, आपको कुछ एतराज है, आपके कोई जमीन है, कानूनी कार्रवाई है, आप कॉरपोरेशन में अर्जी दो, क्योंकि सबील और ये सब जूनी चीजें जो बनी होती है उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके पर्याय कॉरपोरेशन बना के दी होती, या आपके इखराजात से, और उसके ऊपर तो आयात लिखी हुई है, एक कुरान की आयात है और आप हाथों से तोड़ रहे हो, तो बेहरमती करो नहीं, तुम्हारे को सत्ता की गुर्मी कितनी चाहिए, आपके एक आमदार है और इसके अंदर आप उनके जरिए आवाम का काम करना चाहिए, नरमी से पेश आने चाहिए कि इस तरीके से पेश आना चाहिए, मुझे लगता है कि पाप का बेड़ा भरने आ गया अभी जो मटका है उनका। सर पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देना राजनेताओं का काम है, और अगर वो पत्रकारों के तीखे सवालों से अगर चिढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो बात ऐसी है कि पहले तो बहुत इसके ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरपोरेशन के रास्ते पे बनी हुई चीज़ है, पहले तो पुलिस ने वो तहकीकात करनी चाहिए कि बनाया कौन और कहीं इसके अंदर कॉरपोरेशन का पैसा लगा है, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसके तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए, और देखेंगे कि कल पुलिस के सामने कि कल हम सुबह सज्जन मिलकर सीनियर पीआई को मिलने को जाएंगे और कौन क्या अकेले के रूम में बैठ के क्या बात करता है उसके भी वीडियोस कुछ हमारे सामने आई है, अब ये दबाव तंत्र होगा नहीं, मनमानी चलेगी नहीं, आप पब्लिक जगह पे कुछ करते हैं तो आपको आवाम को जवाब देना पड़ेगा, कल नजीब मुल्ला या नजीब मुल्ला के साथी भी करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा, और तीखे सवाल पत्रकार जो मुद्दे होते हैं उसको अपनी अपनी तरीके से पेश करते हैं, तो जब वो पेश करते हैं और तुम एक पब्लिक काम में हो या तुम एक आम इंसान भी हो तो तुम प्यार से उनको बुला के समझा सकते हैं, बट कोई तुमसे सवाल कर रहा है और उसका चिढ़ के दादागिरी से जवाब दोगे तो समझ जाओ कि आपने एक आमदार के लिए वोट दिया था उनको चुन के, कि आपने अपना जमीर अपनी मर्जी और अपने आजादी उनके हवाले कर दी है। सर एक सवाल और है कि जैसा कि जिसने वो सबील बनाया था 15 साल पुरानी सबील है वो, उसके बावजूद भी उसका दोबारा से वो तोड़ने के लिए गए, अगर वापिस से ये हरकत करते हैं बबलू सैयद जी तो क्या आपकी पार्टी उसका विरोध करेगी? देखो ये सियासती मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आवाम की सहूलत का, जब एक सबील बनी हुई है और वो बंद है खस्ती हालत में है और टूटी फूटी पड़ी है और वहाँ कुछ बेहरमती हो रही है आयातों की या नल में पानी नहीं है, गंदगी फैली हुई है,
उसको आप हटाना चाहते हो तो वहाँ की आवाम को भरोसे में या जो उसकी सहूलत लेते उसको लेके करना चाहिए, बट ये तो है नहीं, चालू सभी ले। और जो इस्लाम में हमारे सिखाया गया है पानी पिलाना सवाब का काम है, तो आपको इतना एतराज क्या? पहले तो ये चेक करने का है कि सबील के पीछे वो तोड़ने से किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंट ओपन होने वाला है, वो देखे। एक बस स्टॉप भी होता है उसको हटाया नहीं जाता एक बार बनाए तो। क्या कहेंगे जिस तरह से वो छब्बीस जो है फुटपाथ पे बनाई गई है, उनका ये कहना है कि 7-12 मेरा है इसलिए मैं तोड़ूंगा। देखो जो देख के आए हम वो सबील फुटपाथ पे, कॉरपोरेशन ने वो जमीन नाम पे ले ली, 7-12 आपका है तो उसके लिए मेरी तो राय रहेगी बबलू से कि पहले आप जाइए सर्वे कराइए, अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज फिक्स कराइए, और जो रस्ते में जगह गई होगी तो वो रस्ते का मुआवजा कॉरपोरेशन तो 2 गुना देती है, तो तुम्हारे को सबील तोड़ने से मतलब क्या है? जब पत्रकारों का जवाब बबलू सैयद के पास नहीं था तो उन्होंने दोषा ये निकाला कि गटर के ऊपर अल्लाह और हजरत हुसैन का नाम लिखा हुआ है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। 15 साल के बाद उनको ये याद आ रहा है कि गटर के ऊपर अल्लाह का नाम है इसलिए हम उसको तोड़ रहे हैं, या सबील हुसैन लिखा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। आपकी मुद्दे के मैंने कहा ना पीछे किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंटेज होने वाला है, ये पत्रकार ने वो साबित किया। अचानक रात को तो बस स्टॉप भी गायब हो गए दुकानों के सामने के। पत्रकारों ने सवाल उठाया तो उनको दादागिरी हो जाती। मैं कहा ना आवाम की सहूलतों के ऊपर आवाम का हक है, और आवाम की आवाज, आवाम तक होने वाले गलत काम ये पत्रकार लोग फैलाते हैं। और आपके जो साथी इस्लामुद्दीन भाई है वो तो मैं उनको बहुत अच्छे से कई अभी महीनों से जानने लगा हूँ, उनके सवाल बहुत तीखे होते हैं बट मुद्दे के होते हैं, तुमको उसकी सफाई पेश करना चाहिए। उनकी नज़र में जो बात आती है वो सवाल पेश करेंगे। आपके घर की दीवार तोड़े होते अंदर की तो पत्रकार कोई पूछने आपको आया नहीं होता। एक रस्ते पे जो पब्लिक के काम का है, कल आपका घर है या आपकी दुकान है आप तोड़ के नया बना रहे हैं, जमीन दोस्त करे, कोई पत्रकार पूछने नहीं आता, बट वो पब्लिक के वापर की चीज थी, पब्लिक यूज की चीज थी, और उसके लिए पत्रकार ने सवाल उठाया तो उसमें कोई बेबुनियाद नहीं है, कोई गलत नहीं है। हम पत्रकारों के ऐसे अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि आप इस तरीके से जिंदा दिल सवाल पूछते रहेंगे तो हर एक शख्स उस राह पे सीधा चलेगा, और जो वाकया हुआ है कल हम खुद डीसीपी के पास सीनियर पीआई को बात करेंगे कि भाई इसका जवाब दो, क्या मामला है। सर मुमरा का एक और मुद्दा इस्लामुद्दीन भाई ने उठाया था, मुमरा का बस स्टॉप जिसको लेकर के जो है पूरे शहर में दौरा किया गया था कि यहाँ यहाँ बस स्टॉप है, लेकिन आज तक वहाँ कहीं भी ढंग का बस स्टॉप नहीं मिला, और वो भी न्यूज़ को उनको ठुकरा दिया गया। देखो हमें तो बहुत उम्मीद थी, क्योंकि तकरीबन 4 साल परिवहन समिति के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य नहीं था, एक भी नहीं जी। ये तो जब शिंदे साहब महापालिका के ऊपर हमने सभागृह से नजीब मुल्ला ने जाती तौर पे दबाव डाला और 2 सदस्य जा रहे थे, शिवसेना साथ में थी, उनका आने वाले दिनों में महापौर का इलेक्शन था, उसके वाटाघाटी में सत्ते में साथ में थे जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उस वक्त जाती तौर पे नजीब मुल्ला ने 4 सीट लिया था, और वो 4 सीट के तहत 8 में से 4 सीट हमने लिए, 2 जाते थे 4 सीट ली थी, उस तहत हमने आपके शमीम खान साहब को जिम्मेदारी दी थी, हमें लगा कि बहुत अच्छा काम करेंगे वो, और ये सब सहूलतें जब उनको एक कुर्सी दी है तो कमेटी से उठा के वो काम करेंगे, और उनके ताल्लुक सबके साथ अच्छे थे। मगर अफसोस की बात है कि वो बस स्टॉप गायब करने को लग गए थे, क्योंकि अब हम भूल गए कि वो एक बिल्डर है, बिल्डर हम भी है, बट पब्लिक एट लार्ज के लिए हम कभी इस तरीके का काम नहीं करते। तो जो बस स्टॉप थे, बस स्टॉप गायब किए गए, बस स्टॉप आज है ही नहीं, और मुमरा में सक्रिय फिरने के बाद मुझे प्रवासी संघ के 7-8 लेटर आए कि हमें 4 जगह पे इमीडिएटली बस स्टॉप दो, और हमने वो कार्रवाई शुरू की है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दे दिया है। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था मंगल बुध तक हम लोग इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉलेशन कभी भी शुरू हो जाएगा। नजीब भाई एक आखिरी सवाल है, आज महापे रोड पर नासर चौधरी करके उनका एक गाला था, और उनके गाले के पीछे शमीम खान की जमीन थी जिसको आज MIDC ने तोड़ा, लेकिन बिना नोटिस के तोड़ा, और वहां पर पूछने के बाद स्थानीय लोगों ने ये कहा कि ये पूरा कार्य जो है शमीम खान ने किया, जबकि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
तो सर ये MIDC में कल जरूर मैं पूछूंगा करो चौधरी, और हमारे सवाल करने पर MIDC के ऑफिसर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। मैं क्या कहूं जी, अल्लाह जिसको जब ओहदा देता है, कुर्सी देता है, तो वो खिदमत के लिए होती है, आवाम की खिदमत के लिए। मगर आप आज आप सोचिए मुमरा कौसा की आवाम को ये मुझे सवाल करना है, जो आपके खिदमतगार बन के आपके बीच में घूम रहे हैं, अध्यक्ष बन के घूम रहे, आमदार बन के घूम रहे हैं, आज ये छोटी सी बात, दोनों वाकया ये साबित करता है कि वो सिर्फ यहाँ कमाने को और लूटने के लिए आए हैं, नाइंसाफी करने के लिए आए हैं। खिदमत उनका कोई फर्ज नहीं है, वो ऐसे जमीन सस्ते में लेते हैं, सामने का दबाव तंत्र अपना राजनीतिक ओहदा फड़ा के आप वो तोड़ने लगाते हैं। अधिकारी ने हक की बात किया तो ट्वीट करते हैं, आज आमदार साहब का ट्विटर ब्लैकमेल करने के लिए तैयार हुआ है। आने वाले वक्त में अगर पत्रकारों पे किसी तरह की कोई आपत्ति आती तो आप कहां तक साथ देंगे? आने वाले वक्त हो, आज हो या कल भी था, जब जब पत्रकार, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का चौथा पिलर है, जैसा सियासत है मीडिया है वैसा हम भी उसके चौथे पिलर है। तो ये पत्रकारों का जब भी नाइंसाफी होगी, बेशक नजीब मुल्ला, टीम नजीब मुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पे आपके साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू।